बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को लेकर किसी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मठ बागमबरी गद्दी में संदिग्ध मौत, स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है। चर्चित चेहरा टीवी का, राम मंदिर को लेकर इन्होंने जिस तरीके से तमाम बातें रखी हैं, अब तक इनकी देश में एक अलग पहचान है, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जो सर्कमस्टेंसेस, जो वहां के हालात बताए जा रहे हैं, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसे में स्थानीय पुलिस, बड़े अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मौत के पीछे का सच सामने आ पाए। मौत कैसे हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आचार्य परमहंस दास हमारे साथ जुड़ गए इस पर बातचीत के लिए। आचार्य जी, बेहद दुखद खबर, नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो स्थितियां वहां की बताई जा रही हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यह आत्महत्या का मामला कतई नहीं हो सकता है। नरेंद्र गिरी जी जो है बहुत सुलझे हुए संत थे, खड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, और उनका एक विवाद भी चल रहा था उनके उत्तराधिकारी से। काफी दिन तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ये बातें मीडिया में भी आई थी, और इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की भी बू आ रही है। ये प्रायोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है जी, ताल होनी चाहिए, और यह हम साधु संतों के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, बहुत दुखद है यह, और ये प्रशासन को इस पर लीपापोती न करके सख्ती से जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें दो अलग अलग संभावनाएं, आपने आशंकाएं जो जाहिर की है महंत जी, एक तो ये कि उत्तराधिकारी के विवाद को लेकर भी ये पूरा घटनाक्रम सामने आ सकता है, और दूसरा आप जो राजनीतिक इसके पीछे बातें बता रहे हैं, वो क्या हो सकती हैं सर? राजनीतिक बात ऐसी है कि अखिलेश यादव बीच में इनसे मिलते थे, और वो हम लोगों को इसमें डाउट है कि वो किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करते थे, धर्म की मर्यादा है, कहीं ना कहीं से एक तो वो भाजपा को काम करने की, और इसमें एक महन जी, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां पुलिस को 5 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ। पहली नजर में आत्महत्या से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद है, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्योंकि इसकी तह तक जाना जरूरी है। पहली तो पहली नजर में इसे आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस को 5 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। अब इस मामले में जांच किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। महंत रविशंकर हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। महंत रविशंकर जी, महंत नरेंद्र गिरी को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही, 5 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, ये संदिग्ध परिस्थितियों में महात्मा श्री नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है, इसलिए जो है इसकी मैं तो यही शासन से मांग करूंगा कि जांच होनी चाहिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, संत समाज की क्षति है। ये जो है इन्होंने काफी प्रयास करके सक्रिय रहे समाज के लिए जी। और ऐसे महात्मा की हत्या या संदिग्ध परिस्थिति है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसका जांच होना चाहिए। लेकिन एक महंत जिसका सामाजिक कोई लेना देना नहीं था, वो सामाजिक आडंबर से दूर था, आत्महत्या के लिए वो कैसे कदम उठा सकते हैं सर, अगर उस दिशा में भी देखें, और अगर हत्या की गई है तो किसी की उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? भैया, वो क्या परिस्थितियां रही हैं वो तो भाई जानी चाहिए, अन्यथा पूरा प्रदेश, पूरा देश इसके लिए आंदोलन करेगा। मधु चका, अखिल भारतीय तीर्थपोज महासभा। महंत रविशंकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। महंत, महंत जी, सवाल वही है कि किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है एक संत की, या किसी को उनसे क्या लेना देना हो सकता है जो उनकी हत्या करेगा? ठीक बात है, लेकिन हर व्यक्ति, हर स्थिति परिस्थिति में लोगों के स्वार्थ भिन्न भिन्न होते हैं जी। है जैसे गृहस्थ समाज होता है, वैसे संत समाज होता है, हमारे तमाम चीजें होती हैं, तो उसमें किसकी क्या परिस्थिति थी, क्यों ऐसा हुआ, ये तो परमात्मा ही
बता सकता है या तो महंत जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा, कोई ऐसी संत समाज ने ऐसा कुछ अभी सोचा है? क्योंकि संत समाज जो है एकदम से निराधार नहीं है कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है, पूछनहार नहीं है। अगर संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की भी हत्या होगी, मृत्यु होगी, तो एक ये होगा कि भाई सच्चाई सामने आना चाहिए, मौत लेकिन या हत्या। महंत जी, फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी, उनके नाम के आगे भी महंत है, और अगर आत्महत्या की थ्योरी से उसे जोड़कर देखा जा रहा है, 5 पन्नों का सुसाइड नोट बताया जा रहा है, तो एक महंत सुसाइड कैसे कर सकता है? सवाल तो ये बहुत बड़ा है, ये चिंता का विषय है, सोचनी विषय है, ये जांच होना चाहिए, जांच का विषय है। तो आप प्रशासन से क्या मांग रखते हैं सर? हम तो प्रशासन से यही चाहेंगे कि जांच होना चाहिए, इसकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि जो भी है वो सच्चाई सामने आना चाहिए। तो संत समाज क्या प्रशासन से किसी तरह की कोई मुलाकात करेगा? क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है, लोगों में दुख भी है तो आक्रोश भी है, वो कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। निश्चित जांच होना चाहिए, हमारे अन्य बड़े अन्य सब महात्मा लोग इकट्ठे होंगे, अखाड़े इकट्ठे होंगे, उसमें जो भी निर्णय होगा उस पर किया जाएगा। और चूंकि निश्चित ही हमारे वहाँ पालघर में हमारे संतों की हत्या हुई थी, तब भी हम लोगों ने जो है विरोध किया, हर तरह से जैसे भी रहा है। तो एक जो चीज महंत रविशंकर जी, शायद आप भी इस बात को जानते होंगे, जो महंत नरेंद्र गिरी के साथ जो पिछले दिनों जुड़ी, वो उत्तराधिकारी को लेकर एक विवाद सामने आया था, क्या उसका किसी तरह से कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, अब क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये उनके परिवार का मामला था, उसमें क्या गंभीरताएं थी क्या नहीं थी वो तो उनका परिवार है ना, क्योंकि मैं जूना अखाड़े से संबंधित हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ, मंडल प्रभारी श्री पंडित दत्तनाम जूना अखाड़ा, तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर कहते हैं मुझको जी, तो जी। मेरा पारिवारिक विषयों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक संत के स्वरूप में मुझे पीड़ा है, और उनके साथ अगर कोई भी अन्याय हुआ है तो वो सामने आना चाहिए, जांच का विषय है। बिल्कुल सर, ये जांच का विषय है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उसके बाद बहुत सारे सवाल, क्योंकि महंत का जो शव मिला है वो फंदे पर लटकता हुआ मिला है, 5 पन्ने का सुसाइड नोट, पुलिस इसकी थ्योरी बता रही है, वो आत्महत्या की थ्योरी बता रही है, लेकिन घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, और बड़े अधिकारी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।